हमने हाथरस उन्नाव देखा, हमने मध्य प्रदेश देखा, हमने गुजरात में जो लड़कियां गायब हो रही उसको भी देखा। राम मंदिर बनने के बाद भी हमारी बहन सड़के में बैठे थे, राम राज्य है, इसे राम राज्य कहोगे आप? ये राम राज्य की सरकार है, पता नहीं कौन सी वाशिंग मशीन इनके पास है, बेशर्मो के पास। चाहे ऐसी वाशिंग मशीन है, रेपिस्ट हो, मर्डरिस्ट हो, कत्लिस्ट हो, भ्रष्टाचारी हो, आता है धूल के साफ हो जाता है, संस्कारी हो जाता है। सरकार ये कह रही है, सरकार बोल, अरे अब करी क्या है ये बताओ, 10 साल में झूठ बोलने के अलावा क्या किया? राजनेता आ रहे भैया, हर पार्टी का, भाजपा वाले पूरे आ जाए, स्मृति ईरानी आए, नरेंद्र मोदी जी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए, पूरे भाजपा के नेता आ जाए मंच पे, कोई रोक रखा है? स्मृति ईरानी तो सेंटर लेके भी चुप है, कर्नाटक गई वहाँ डांस करने लगी, ऐसे डांस हो रहा है उनका, ऐसे डांस हो रहा है वहाँ डांस। पहले दिन आए हैं, बात करेंगे खिलाड़ियों से, हमारी भी कुछ संतों की टीम है, हम उनसे ही बात करेंगे। देश के, ये देश की राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हुआ है, मंत्री जी ने, जो सांसद है आपके भूजन सिंह, उनका नाम आ रहा है। सत्ता में जो है, जिसके पास अधिकार है, मुझे सवाल कर रहे हैं, मामला बस इतना ही है और कोई मामला नहीं है। नहीं, राजनीतिक बता रहे हैं कि यहाँ पे तो राजनीतिक मामला। बीजेपी कौन से मुद्दे में हारते, राजनीति नहीं होती। किसान मुद्दा क्या, किसान आंदोलन राजनीतिक था? किसान आंदोलन राजनीतिक था या नहीं था बताओ? राजनेता आ रहे भैया, हर पार्टी का, भाजपा वाले पूरे आ जाए, स्मृति ईरानी आए, नरेंद्र मोदी जी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए, पूरे भाजपा के नेता आ जाए मंच पे, कोई रोक रखा है? प्रधानमंत्री जी के क्या बगल में हम बैठे हैं? जैसे आप लोग अतीक अहमद के बगल में बैठे थे, या अतीक अहमद साथ ये हो गया, अब निकलेगा, अब ये यहाँ मुतेगा, अब देखो ये तो अभी लोग करते हो ना, हम कहाँ करते हैं? आप बगल में बैठे हो, हम बगल में नहीं बैठे। आप प्रधानमंत्री पूछो, कर्नाटक में आप थे प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री जगह मुकुट लगा के आप चल रहे थे, क्यों नहीं करने के लिए? कैमरा मैनों को यार जरूरत पड़ती है उनको, और हमारे ऊपर नहीं थी। मुद्दा सिर्फ इतना हमारा है कि देश के पहलवानों ने एक मांग रखी, उन्होंने सरकार के सामने सबूत दिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, सरकार ने एक्शन ना लेके पूरी तरह से चरित्रहीन हमारे उन्हीं बहनों को कर दिया। अब प्रयास लगातार कर रही है, ये देश देख रहा है, ये काला दिन की तरह देखा, ये जो काला दिन दिखाया जा रहा है ना, कि आज बहन बेटिया का इल्जाम लगाती है और वो भाजपा का हो जाता है तो उसका करेक्टर खराब कर दिया जाता है, लेकिन उस नेताओं को बचाया जाता है। हमने हाथरस उन्नाव देखा, हमने मध्य प्रदेश देखा, हमने गुजरात में जो लड़कियां गायब हो रही उसको भी देखा, हर मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। फिलहाल तो केरला स्टोरी के मुताबिक जो है 32,000 लड़कियां जो है केरल से गायब है, अभी उस पे जो कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है, बयानबाजी चल रही है। इस तरह के भड़काओ पिक्चरों का नाम अगर प्रधानमंत्री जी लेते हैं, प्रधानमंत्री जी पिक्चरों का प्रमोशन करते हैं, ये सही नहीं है। इस पे जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें गलत बयानबाजी कर रहा है उसको सजा होनी चाहिए। कौन बचा रहा है और कौन बचाएगा? सर सत्ता सरकार बैठा है वही तो बचाएगी, सरकार किसी पार्टी का है? कह रहे राजनीति हो रही है यहाँ पर, विपक्ष ने बिठाए लोग। अरे हम कह रहे भैया प्रधानमंत्री पूरे आगे बैठ जाए, 7-8 दिन बैठे यहाँ पे, 7 दिन बना से बैठे थे जाकर। मानते कि आप राजनीति करने आए हैं? कौन आप? तुम क्या करने आए हो? तुम क्या करने आए हो? गोदी मीडिया, मोदी मोदी ले माला, लो 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 मोदी, कर लो लो, करो मोदी मोदी लो, करो मजा आएगा तुमको। अरे तुमको टीआरपी मिल जाएगी, आईडी अलग मिल जाएगा, करोगे? माला पहने आप मोदी मोदी कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग आते हैं तो इतने सवाल है। आपने कहा कि यहाँ पर राजनीति हो रही है, हमने कहा भाजपा के लोग आके राजनीति करें, बदल आ जाए, फिर उसे प्रसाद आ जाए, आए ना यहाँ पे। देखिए सुनिए, जब आपका देखे एक कांड हुआ था जिसमें पूरा दिल्ली एक हो गया था, निर्भया कांड, उस पर भी हम सब ने भी कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए थे, प्रधानमंत्री कोसा था उस वक्त, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैं पार्टी में था, मैंने कोसा था उनको। आज अगर बात देश के बेटियों की है तो क्या प्रधानमंत्री जी गरीब माँ के बेटे हैं वो सुन नहीं सकते अपनी बुराई? सुनना तो चाहिए उनको भी कि क्या मामला है। लेकिन आप जो है ये इतना जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आके समस्या सुने, अगर वो गरीब माँ के बेटे चिल्लाते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री के अंबानी थे, अडानी थे, वो भी गरीब माँ के बेटे थे। लेकिन ये जो नकाब पोशी तरह किया जा रहा है, कभी किसी की बात को नहीं सुनना है, जो आदमी सरकार सवाल पूछे वो हिंदू नहीं रह जाता है, हमारे किसान बैठे वो खालिस्तानी हो गए, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही है। ये लोग भी जाके डिनर कर रहे थे ना मोदी जी के साथ, अच्छा ही बताओ, एक मिनट परिवार बता रहे थे, एक मिनट अगर कोई आदमी बैठेगा, जीत के कहीं से आएगा, बड़ा ऐतिहासिक खेल होता है ओलंपिक, तो प्रधानमंत्री मिलता है। ये प्रधानमंत्री तो अब लगता है मीटिंग है, परिवार बता रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छा भैया यही तो बात है, यशोदा बन के लिए कहाँ जा रहे हैं? वहाँ भी तो नहीं गए ना, माँ के मरने के बाद कहाँ मुंडन हुआ? देखिए कोई सपोर्ट करे ना करे,
हम अपने खिलाड़ी बहनों के साथ हैं और मंत्री दम तक रहेंगे, या तो मुद्दा क्लियर करें या तो जवाब दे। उनकी बहन ₹500 अभी दलालों को भी मिलता है दलाली करने का, हमसे मत लगाना है इल्जाम। 500 दलाली करने का मिलता है। इस मित्रानी तो सेंटर लेके भी चुप है, कर्नाटक गई वहाँ डांस करने लगी। अरे डांस हो रहा है उनका, ऐसे डांस हो रहा है वहाँ, डांस होता है भैया। अच्छा मैम, अच्छा मैं अपमान कर रहा हूँ। और ये क्या सम्मान है? हमारी बहन बेटी सम्मान है, इनकी बहन इनकी बेटी पे इल्जाम लगाया गया था गोवा में, तो अपन कॉन्फ्रेंस की थी, हमारी बहन बेटियों के लिए नहीं है। बोलो पूरे देश की बेटी है, क्या मजबूरी है, क्यों नहीं समझती ना? देखिए के साथ रहे हैं, जो भी मुद्दे हैं, अभी हमारे पहले दिन आए हैं, बात करेंगे खिलाड़ियों से, हमारी भी कुछ संतों की टीम है, हम उनसे ही बात करेंगे, हम धरने के साथ है। और भी संत आएंगे आपके साथ यहाँ पर, आगे 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 देखिए होता है क्या। अच्छा टुकड़े टुकड़े गैंग आ रही है, प्रधानमंत्री पिक्चर बोलते हैं तो आपको नहीं सुनाई देता है। टुकड़े टुकड़े गैंग की अगर आप बात करेंगे तो भारत चलकर जोड़ने वाले हम हैं भारत यात्री, हमने तोड़ा नहीं है, और तोड़ने की राजनीति कौन करे जो बयानबाजी गलत देते हैं। विस्काल 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 बताओ तुम सरकार की सुनते हो, हम लोग क्या है, जनता नहीं है? आपकी भी तो सुन रहे हैं, सुन क्या रहे हो भाई? सरकार ये कह रही है, सरकार बोल, अरे आप करी क्या है ये बताओ, 10 साल में झूठ बोलने के अलावा क्या किया? देखिए मैं एक चीज बता दूं, जिनको ये बात की दिक्कत है कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर कोर्ट के आदेश बना है, अगर राम राम मंदिर बनने के बाद भी हमारी बहन सड़कें बैठे तो ये राम राज्य है, इसे राम राज्य कहोगे आप? ये राम राज्य की सरकार है। अगर आज एक मंत्री के बोलने पे कोई रात रात गायब हो जा रहा है, कोई कुछ ही बयान दे रहा है, कोई खिलाड़ियों पे बोल दे रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है, पर वो भाजपा का होना चाहिए। पता नहीं कौन सी वाशिंग मशीन इनके पास है, बेशर्मों के पास चाहे ऐसी वाशिंग मशीन है, रेपिस्ट हो, मर्डरिस्ट हो, कत्लिस्ट हो, भ्रष्टाचारी हो आता है, धुल के साफ हो जाता है, संस्कारी हो जाता है, संस्कारी हो जाता है, संत समाज समर्थन में धरना देंगे। देखिए अरे ये संति तो है, और हमारे कहने का मतलब बहुत से लोग समर्थन में भी है, बहुत से लोग विरोध में भी है, ये लोकतंत्र है, हम विरोध करेंगे, हम खिलाड़ियों के साथ बैठेंगे और विरोध करेंगे, गिरफ्तारी की मांग कर दो। देने वाले आ रहे हैं 4000 बुलडोजर लेके, कह रहे हैं हम चलेंगे वहां जंतर मंतर। देखिए भैया जिसको आना है वो आए, जिसको समर्थन देना हो दे, मेरा समर्थन है मैं दूंगा, इनके खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ, उखाड़ने के लिए। अगर देखिए समर्थन में, हमारे कहने का मतलब ये है, ये देश देखेगा, और कभी भी संघर्ष की जीत होती है, मेहनत की जीत होती है, आप दम दिखाइए, हम संघर्ष करेंगे, देखते हैं अमीर चंद जीतते हैं या गरीब जनता।